बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो क्रिस्मा का ये आर्टिकल है और ये थोड़ा सा बैगी शेप का आर्टिकल है। एक तो इसकी फ़िटिंग करनी है, फ़िटिंग मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी और बिल्कुल सिंपल है। इसमें इन्होंने इसकी प्लेकेट पर, इसकी कफ़ पे बटन अप्लाई किए हैं। प्लेकेट पे मेटल के हैं, कफ़ पे कपड़े के हैं कि बने हुए हैं। इसको अब थोड़ा सा हमने धागे से थोड़ा सा डिकोर करना है, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। तो जीनिया की फरमाइश थी कि इस पर कुछ थोड़ा सा भी आप करके दें। तो धागे की चार तारें, सिलाई वाला धागा एज यूजुअल, आपको पता है मेरी पिछली वीडियो में भी मैं सिलाई वाले धागे से ही एम्ब्रॉयडरी का टच देती हूँ शर्ट्स पे। तो बहुत सिंपल सा टांका, कोई इतना मुश्किल नहीं। चार तरह लूँगी और एम्ब्रॉयडरी वाली ही नीडल लेनी है, दूसरी आम जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नहीं लेनी, क्योंकि वो फैब्रिक में से बहुत मुश्किल से फिर वो निकलती है। जस्ट एक बार आपने राइट साइड से और एक थोड़ा सा आपने लेफ्ट साइड से उठा लेना है और ये बिल्कुल इनविजिबल होगा। इसका स्टार्ट और इसका एंड जो है, एंड की नॉट भी और स्टार्ट की आपके सामने जो है, वो मैं हमेशा जो होती है क्लोज साइड से स्टार्ट लेती हूँ धागे का, जो होता है बंद साइड। और इसकी जो एंडिंग भी होगी वो हमने नॉट इस शेप में लगानी है कि पता ना चले, यही पता चले कि ये जो क्रिस्मा का जो आर्टिकल है ये उसके ऊपर ऐसे ही ऑलरेडी पहले ही इस पर वर्क हुआ हुआ था धागे का। ये बिल्कुल इनविजिबल होगा क्रिस्मा का ये जो आर्टिकल है। इसमें इतना सॉफ्ट सा, अगर आपने देखा होगा तो जो कुछ लोग ब्रांड वाले जो होते हैं ना, उन्होंने बहुत सॉफ्ट सा इसमें पेस्टिंग पेपर लगाया होता है, वो हार्ड वाला यूज़ नहीं करते। इस वजह से इसमें से नीडल को गुजारना बहुत मेरे लिए इजी रहा है, कोई इतनी मुश्किल नहीं हुई। बस थोड़ा सा आपने उसको राइट साइड की और उसके बाद आपने धागे को अपने फ्रंट पे ले जाते हुए दूसरी साइड से आपने कपड़े में से गुजार लेनी है सुई। और चाहे तो आप लाइन लगा लें चौक के साथ। मैं आगे चल के अगर आप देखेंगे तो कॉलर पे जब मैं लगाऊंगी तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, यानी कि अगर तो आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं तो आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक चौक की लाइन लगा लें। तो फिर इससे ये होता है कि आपके पास एक बाउंड्री वॉल आ जाती है, जिसकी वजह से आपको ये रहता है कि आपने इस बाउंड्री के अंदर ही एम्ब्रॉयडरी के जो है वो स्टिचिंग उठानी है। मैं और कलर बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, जस्ट मैंने ब्लैक के साथ ग्रे का कंट्रास्ट किया है, वो भी ग्रे इस वजह से ताकि एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा सा जो है वो लुक का पता चले दूर से। और सेम कलर का मैंने खुद नहीं की और एक्स्ट्रा कलर मैंने खुद नहीं यूज़ किया, जस्ट एक ही कलर से। ये माशाल्लाह से इसकी जो बिफ़ोर एंड आफ्टर आप खुद देख लीजिएगा, अपने स्टार्ट में देखिए बिल्कुल सिंपल थी और जब ये आप वीडियो के एंड पे आप देखेंगे तो इसकी लुक देखिएगा। और ये देखें बिल्कुल इनविजिबल है, इसका स्टार्ट और इसका एंड का देख लें, कोई नॉट किसी भी जगह से, कोई धागा आपको इनर वाली साइड से नज़र नहीं आएगा। कॉलर पर ये मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी चौक के साथ और फिर इसमें जैसे मैंने कफ पे इसी तरह मैं कॉलर पे थोड़ी सी मैं इसकी विड्थ कम रखूँगी दोनों टांकों के बीच की। और जो शोल्डर लेस हमारी जो जगह है जहाँ पे स्लीव का एक जॉइंट आता है, वो मैंने ऑफ कैमरा वहाँ पे मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी। प्लेकेट पे मेरा दिल था कि मैं इसके जो मेटल के बटन हैं उसके साथ एक बूर का जो टांका होता है जो नॉट
नॉट शेप का होता है वो मैं कर दूँ, लेकिन फिर मैंने इस वजह से नहीं किया कि ये फिर कुछ ज़्यादा हैवी लुक ना इसकी हो जाए। जस्ट एक लाइट सा हमने टच दिया है जो कि देखने में खूबसूरत भी लगेगा, और अगर वो चाहे तो इसके साथ ग्रे कलर की जीन्स की पैंट भी वेयर कर सकती है, और ग्रे कलर का अगर स्ट्रॉलर लेगी तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक कंट्रास्ट ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन इसका हो जाएगा। ऑफ वाइट, वाइट, रेड, ये बहुत कॉमन है, कॉमन तो वैसे ग्रे भी है, ग्रे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये कि ज़रा ग्रे थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा दूसरों कलरों की निस्बत, इस वजह से मैंने ये कलर यूज़ किया। अब आपके सामने माशाल्लाह से शर्ट बिल्कुल रेडी है, बहुत ही खूबसूरत स्टिच किया हुआ क्रिस्मा का ये आर्टिकल है। इसकी फिटिंग मैंने ऑफ कैमरा की थी, ये आपके सामने है जो शोल्डर जो था इसका उसके जॉइंट पे भी, और ये कॉलर की जो शेप, जस्ट मैंने कॉलर के किनारे को जो है वो उसको किया है, प्रोमिनेंट किया है। ये प्रूफ है कि ये क्रिस्मा का टैग भी अभी वैसे ही लगा हुआ आया था मेरे पास, और ये भी बिल्कुल इनविजिबल है, जस्ट आपकी एक थोड़ी सी एफर्ट से आपके शर्ट की लुक चेंज हो जाती है और वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, दुआओं में बहुत याद रखिएगा, रमज़ान की आमद आमद है। ये आपके सामने जो मैंने एक लाइन जो थी इसकी तीरे की, ये बैगनुमा आर्टिकल था, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।